Assalamu alaikum dear students. Chapter number 14, dad's name is the reproduction. My topic is sexual reproduction in animals. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो है वो हम दो तरह से मतलब उसके जो साइकिलिंग है या उसका जो एक क्राइटेरिया वो हम दो पॉइंट्स में से फाइनल करेंगे. नंबर वन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड नंबर टू इज द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों को देखेंगे और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जो है ये किस तरह हमें फाइनल कराएगा. नंबर वन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को एक नाम और भी हम देते हैं, डैट्स नेम इज अ गैमेटोजेनेसिस का. ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर जो अगर मैं बात करूँ इस अमल के दौरान होगा क्या, जिसके मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की, तो इसके अंदर डिप्लॉइड गैमेट्स जो है मदर सेल जो है वो अंडर हो जाएगा मियोसिस के और मियोसिस से वन हैप्लॉइड. ठीक है, वन एन जो गैमेट्स है वो हमें देखने को मिलेगा. इसका मतलब ये हुआ कि टू एन मूव करेगा वन एन की जानी. ठीक है, और वो हमारे पास डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट्स जो है वो हमें देखने को मिलेगा और उस अमल को हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस का. ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस की मैं बात करता हूँ, उसके बाद डिस्कशन करते हैं गुनेट्स के बारे में. ठीक है, अगर गुनेट्स हमारे पास मेल और फीमेल के अंदर हम देखते हैं तो मेल के अंदर अगर मैं डिस्कशन करूँ तो गुनेट्स मेल्स के अंदर टेस्टिस के तौर पर हमें देखने को मिलेंगे, और अगर मैं फीमेल्स की मैं बात करता हूँ तो फीमेल्स के अंदर हमें ओवरीज के तौर पर गुनेट्स जो है वो देखने को मिलेंगे. और ये एक्चुअली गुनेट्स हैं क्या, गैमेट्स प्रोड्यूस इन द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन. ठीक है, तो ह्यूमन बॉडीज के अंदर मेल है फीमेल है तो उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, उनके अंदर हमें जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स है जिसे मैं टेस्टिस और ओवरीज का नाम दे रहा हूँ, तो ये भी एक अमल के जरिए जो है वो वर्क करते हैं. फर्स्ट अगर मैं बात करूँ स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो ये हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, जो हमें टेस्टिस के अंदर देखने को मिलेगा उस अमल को मैं कहूँगा स्पर्मेटोजेनेसिस को. और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो डैट नेम इज ओओजेनेसिस की. ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एग्स. ठीक है, और ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ओवरीज के अंदर. तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन ओवरीज इज कॉल्ड ओओजेनेसिस. ठीक है, अब इसके बाद मैं देखता हूँ कि किस तरह हमारे पास डिप्लॉइड गैमेट मदर सेल वो अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म अप्लाइड गैमेट्स मतलब 2n से 1n जो है वो मूव किस तरह करेगा. उसके लिए हम फर्स्ट दो मैकेनिज्म ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे. नंबर वन स्पर्मेटोजेनेसिस की मैंने बात की, नंबर टू पे ओजेनेसिस की बात की. ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि माइटोसिस से मियोसिस के अंदर किस तरह मूव करेगा. तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स जो है वो आपके सामने ड्रा की हुई है. तो नंबर वन की अगर मैं डिस्कशन करूँ, नंबर ए, ठीक है, डेट इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस. तो अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होगा कि माइटोसिस हमें देखने को मिलेगी और ये हमारे पास एक 2n जिसे मैं कहूंगा स्पर्मेटोगोनियम. ठीक है, अब माइटोसिस के अंडर को जाएगी और जैसे ही माइटोसिस स्टार्ट होगी तो ये स्टार्ट होने के बाद हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है 2n से 2n में मतलब स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पे मूव करेगा और यहाँ पे मियोसिस वन हमें देखने को मिलेगी. ठीक है, अब जैसे मियोसिस वन जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डेट इज अ 2n में हमें देखने को मिलेगी तो ये मूव करेगा मियोसिस के जरिए और ये प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, जो मूव कर देगा 2n से 1n की जाने और यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो देखने को मिले. अब यहाँ पे दोबारा मियोसिस 2 हमें देखने को मिलेगी, इसमें क्या होगा कि आपके 1n वो डिवाइड हो जाएंगे 4 मतलब स्पर्मेटिड्स के अंदर और ये क्या होंगे 1n. ठीक है, और ये 1n जो होगा फिर आगे जाके मियोसिस 2 में से गुजरते हुए हमारे पास जो स्पर्म्स है वो हमें देखने को मिलेंगे और वो स्पर्म्स हमारे पास 1n होगा. ठीक है, और ये प्रोसेस हमारे पास कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस दैट प्रेजेंट इन द टेस्टिस. ठीक है, और उसके बाद हम दूसरे प्रोसेस की मैं बात करता हूँ, दैट प्रोसेस इज द ओओजेनेसिस. ठीक है, अब इस ओओजेनेसिस की अगर मैं डिस्कशन करूँ तो इसके लिए हमारे पास भी सेम मैकेनिज्म स्पर्मेटोजेनेसिस माइटोसिस की तरह देखने को मिलेगा. इसमें भी फर्स्ट में माइटोसिस देखने को मिलेगी और वो हमारे पास पहला सेल 2n जिसे मैं ओओगोनियम का नाम दे रहा हूँ, उसके बाद ये मूव करेगा माइटोसिस के बाद प्राइमरी ओसाइट्स के अंदर, वो भी हमारे पास 2n होगा. अब ये आपका 2n जब मूव करेगा तो इसमें क्या होगा कि आपके पास एक सेकेंडरी ओओसाइट जिसे मैं 1n का नाम दूंगा और एक हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी ये हमें देखने को मिलेगी. ठीक है,
और जब हमारे पास ये स्टार्ट होगा तो इसके बाद हमारे पास म्यूसिस वन के बाद सेकेंडरी ओसाइट्स एंड फर्स्ट पोलर बॉडी देखने को मिलेगी और नेक्स्ट हम बात करेंगे मियोसिस टू की। अब जैसे ही मियोसिस टू स्टार्ट होगी तो सेकेंडरी ओसाइट जो है ये हमारे पास डिवाइड होगा फोर सेल्स के अंदर, उसमें से एक सेल जो है वो हमारे पास एग सेल दैट इज द ओवम और वो हमारे पास होगा वन एंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये आगे जाके डिवाइड होगी, हमारे पास सेकेंड पोलर बॉडी जो है उसके तौर पर वन एंड के तौर पर हमें शो होगी और फाइनली हमारे पास एक जो एक्स सेल है वो हमें देखने को मिलेगा और ये हमारे पास प्रोसेस कहलाएगा ओजेनेसिस का, जिसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एग्स के नाम से हाईलाइट किया था और ये प्रोसेस हमारे गुनेट्स के अंदर जो है वो रोनमा होंगे और गुनेट्स हमारे पास टेस्टिस और ओवरीज के तौर पे ये मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।